फुर्सत नहीं इंसान को घर से मंदिर तक जाने की, और ख्वाहिशें रखता है शमशान से सीधा स्वर्ग जाने की। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मनुष्य क्या है, बहुत कुछ सोचता रहता है लेकिन कुछ करता नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे कि कार्तिक के महीने में किस प्रकार स्नान किया जाता है, कब से लेकर कब तक किया जाता है, क्या क्या करना चाहिए, उसके नियम क्या हैं। तो कार्तिक स्नान जो है आश्विन महीने की पूर्णिमा से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर इसकी समाप्ति हो जाती है। तो नियम पूर्वक हमें विधि विधान से एक समय खाना खाकर और कार्तिक व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, ऐसे ही सब महीनों में कार्तिक का महीना सबसे श्रेष्ठ है। ये भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। तो कार्तिक स्नान में सबसे पहले हमें सुबह यानी कि जब थोड़ी सी रात्रि बाकी है 4 बजे के अंतर्गत हमें उठ जाना चाहिए। सुबह प्रातः कालीन समय में उठ के सबसे पहले अपनी हथेलियों का दर्शन करें, उसके पश्चात धरती माता को प्रणाम करें और भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा आज का दिन जो है वो तुम्हारी ही पूजा पाठ नामों का स्मरण करने में व्यतीत हो। उसके बाद शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना करें। वैसे तो स्नान का महत्व जो है नदियों पर, कुओं पर, तालाबों पर, इन पर बताया गया है, लेकिन अगर वहां जाना ना संभव हो तो घर में ही बाल्टी में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात नजदीकी भगवान विष्णु का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, तो आप मंदिर में जाकर जो है पूजा पाठ अवश्य करें। रोली मोली गुड़ चावल धूप दीप नैवेद्य से फिर जो है आरती करें। आरती के पश्चात जो है भगवान के नाम का स्मरण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रों का जाप करता हुआ प्रतिदिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ भी प्रदान करें। पूजा करने के बाद तुलसी है, पीपल है, बड़ का पेड़ है, आंवला है, पथवारी है, तो इन पौधों को जो है सींचना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए और वहीं बैठकर भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। जो व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे राधा और कृष्ण की मूर्ति या प्रतिमा रखकर पूजा करता है प्रतिदिन, तो उसके समान प्रिय भक्त तो भगवान का और कोई हो ही नहीं सकता है। तो आपको फिर भगवान की कथाएं सुननी है, कार्तिक महात्म्य है, वो सुन लीजिए और जितना हो सके गीता का पाठ कर सकते हैं, रामायण का, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, जितना हो सके जो भी ग्रंथ आपके पास है आपने प्रतिदिन पाठ करना है, क्योंकि एक एक श्लोक आपको मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाएगा। और जो भगवान की तरफ यानी कि भक्ति में अग्रसर हो जाता है, इस दुनिया में उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तो कार्तिक के महीने में एक समय फलाहार कर सकते हैं या एक समय भोजन कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जैसा आपका शरीर हो, लेकिन एक समय भोजन करें, किसी की निंदा ना करें, जितना हो सके पराए अन्न से बचे, बासी भोजन भी नहीं करना चाहिए, धरती पर शयन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, रात्रि के अंदर भगवान के मंदिर में और तुलसी पीपल पथवारी आंवला जो भी पौधा आपने सुबह सींचा है उस पर घी का दीपक अवश्य जलाएं, घर के मंदिर में भी जलाएं और जिस मंदिर में आप पूजा अर्चना करने जाते हैं वहां भी जलाएं। अगर आप मंदिर में नहीं भी जा सकते तो आप घर पर रहकर भी कार्तिक का स्नान कर सकते हैं। विधि वैसे ही है, सुबह प्रातः कालीन समय में सूर्योदय से पहले यानी कि जब रात्रि हो तभी उठना है। अगर सूर्योदय हो जाता है
उसके बाद आप स्नान करते हैं तो वो कार्तिक स्नान के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप घर पर ही रहकर जितना हो सके इन नियमों का पालन करें, स्नान के साथ साथ दान करें, रात्रि में दीप दान करें, जागरण करें, जो भूखा है उसको अन्न दान करें। अन्न और जल का दान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो आप कार्तिक की पूर्णिमा तक इस प्रकार व्रत के नियमों का पालन करें, उसके पश्चात उद्यापन कर दे। अगर क्षमता हो तो आप 33 ब्राह्मणों को जिमाएं, जोड़ा जोड़ी भी जिमा सकते हैं। अगर सामर्थ्य नहीं है तो पूर्णिमा के दिन एक ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन खिला दे। तो इस प्रकार आपका कार्तिक व्रत का नियम पूरा हो जाएगा। तो अब कार्तिक शुरू होने जा रहा है, आज शरद पूर्णिमा है, तो आप भी कार्तिक स्नान कीजिए, इन नियमों का पालन कीजिए, भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। उसके बाद क्या करना है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।